कई बार पूंजीपतियों को ही पार्टियां महत्वता दे देती हैं, जो आम जनता में लोग काम करते हैं, आम जनता के काम आते हैं, वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। जो एक पार्टी ने जो निर्णय दिया है वो ठीक नहीं दिया है। तो यानी कि आप ये भाजपा को वोट नहीं करोगे रुड़की में? जी, हम नितिन शर्मा जी के साथ हैं रात दिन, किसी भी उसमें भाजपा का मतलब प्रदीप बत्रा नहीं है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, प्रदीप बत्रा तो नहीं जीतने का चुनाव, नितिन शर्मा नहीं, दीपक भारद्वाज लड़ेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे दैनिक रुड़की में, हूँ दीपक गौड़ा और अभी हम जो खड़े हैं रामनगर की गली नंबर 8 में खड़े हैं, जहाँ पर भाजपा नेता नितिन शर्मा जी के साथ ये जो आप जन समूह दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इनके पक्ष में खड़ा है। और हम बात करेंगे नितिन शर्मा जी से, भारत माता की जय के नारे भी लगाए जा रहे हैं और ये टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, आपको बता दें। और टिकट विधायक प्रदीप बत्रा हो गए, जो कि मौजूदा विधायक थे। क्या कहना चाहते हैं भाई सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बहुत लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बत्रा जी को ही टिकट किया है, बहुत ज़्यादा निराशा है और आगे जैसा भी जनता चाहेगी हम लोग वैसा करेंगे। तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे यानी कि? जैसा जनता, जो मेरे साथी लोग हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, जैसा वो कहेंगे हम वैसा करेंगे। हम देख पा रहे थे लगातार आप टिकट की मांग भी करते हैं, ऐसा क्या क्या ऐसा रहा कि कहाँ कमी रही जो आपका टिकट नहीं हो पाया? ऐसा कई बार पूंजीपतियों को ही पार्टियां महत्वता दे देती हैं, जो आम जनता में लोग काम करते हैं, आम जनता के काम आते हैं, वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। जो एक व्यवस्था को बनाते हैं, एक माहौल जनरेट करते हैं, वो पीछे की कड़ी में रह जाता है और जो लोग सिर्फ एसी में बैठते हैं वो लोग आगे निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये, जैसा आपने बताया पूंजीपति को टिकट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति को टिकट देने का काम कर रही है क्या? रुड़की की सीट पे तो ऐसा ही हुआ और इतना बड़ा उनका विरोध था। अभी रायशुमारी हुई तो रायशुमारी में भी जैसा जानकारी आई कि उनको बहुत कम लोगों ने ही पसंद किया था, उसके बावजूद ऐसे व्यक्ति को टिकट देना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो हुआ है और ये इससे बड़ी निराशा है और जैसा जनता आगे फैसला करेगी वैसा मैं करूँगा। अच्छा, रायशुमारी में विरोध था क्या विधायक जी का जिस तरह से? जी जी जी। तो अब क्या निर्णय, सीधा सीधा मतलब चुनाव लड़ना है आपने? हाँ, हम लोग जैसे हमारे सभी भाई लोग कार्यकर्ता और जो साथी साथ कार्यकर्ता, एक बार उनसे भी जान लेते हैं जी क्या राय रहेगी। उमेश प्रधान जी, आप तो हिंदुवादी नेता है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करते हो, क्या कहोगे जिस तरह से नितिन जी का टिकट नहीं हो पाया बता रहे? ये बड़ा निराशा का विषय है। बाकी मैं तो एक ही बात कहूँगा, प्रदीप बत्रा तो नहीं जीतने का। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी? बिल्कुल नहीं जीतने की। अब की बात, बहुत गलत निर्णय लिया जो। यानी कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट आप नहीं करोगे? अब हम व्यक्ति को वोट करते हैं कम, और व्यक्ति हमने चुन रखे पहले से। अच्छा जी, तो नितिन शर्मा जी को वोट करना है, निर्णय है कि निर्दलीय चुनाव लड़वा के मानोगे? जी बिल्कुल। चलो जी, बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं जो कार्यकर्ता यहाँ के लोग हैं, कह रहे कि भाई निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे और हम व्यक्ति को वोट नहीं करते, हम सीधा सीधा इनको वोट करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया भाई जी का? नहीं, वैसे गलती की है, जैसे रायशुमारी में भी बत्रा जी के नंबर कम आए थे तो टिकट उन्हें नहीं मिलना चाहिए था, टिकट नितिन जी का होना चाहिए था, क्योंकि ये उनसे ऊपर ही रहे उस मामले में भी। और बाकी समाज के इतने बड़े समाज सेवी हैं, ये भी सबको पता है, कहीं हर जगह मैं मानता हूँ कि नितिन जी। देख रहे थे कि महेंद्र काला जी हैं, संजय जी, वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, कहीं वो भी नाराज हो जाएंगे क्या इस तरह से, जिस तरह से ये हुए? नहीं, नाराज तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सबका अपना अपना प्रयास है, अपने अपने सबकी वो है, तो उन्हें प्रयास करते हैं। तो सभी सबने अपना एक मत कर लिया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे? नहीं, वैसे तो देखो भारतीय जनता पार्टी का हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम नितिन जी के साथ हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का विरोध ना करके आप कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, साफ तौर पे जो यहाँ पे लोग हैं कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम कैंडिडेट जो चुना, जिनको टिकट दिया है प्रदीप बत्रा जी को, उनका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ दीपक जी भी हैं, वकील साहब हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बताया गया कि भाई टिकट गलत आदमी को दे दिया, साफ तौर पर कह रहे भाई पूंजीपति है तो टिकट मिल गया, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, टिकट उसे देना चाहिए जो समाज के लिए रात दिन खड़ा रहे। अच्छा, और नितिन जी हमेशा समाज के लिए रात दिन खड़े रहे हैं और इस बार हम कैंडिडेट को देखकर वोट करेंगे। तो यानी कि प्रदीप बत्रा जी ने 10 साल में 5 साल भाजपा में रहे, 5 साल कांग्रेस में रहे, एक बार चेयरमैन रहे, तो उन्होंने कोई काम नहीं करा, समाज के लिए नहीं खड़े रहे वो? देखिए, जितना हमें पता है उन्हें फोन किए गए हैं, जब समाज को जरूरत पड़ी तो फोन उठे भी नहीं है, तो कैसे कह देंगे समाज को उनकी जरूरत पड़ी और वो समाज के लिए खड़े रहे? अच्छा जी,
तो जो समाज के लिए काम करेगा वोट उन्हीं को, वोट उन्हीं को, जो समाज का वही उसी को वोट, तो वही विधायक आपका क्या मतलब फैसला क्या, मतलब जो नितिन शर्मा जी है अब टिकट तो कट गया, तो अब ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्या? चुनाव नितिन शर्मा नहीं, दीपक भारद्वाज लड़ेगा। कह रहे हैं नितिन शर्मा नहीं, उनके साथ जो संगठन है, जो उनके लोग हैं, वो लड़ेंगे चुनाव और उन्हें शक्ति प्रदान करेंगे। भाई बहुत बड़ा फैसला आ रहा है टिकट के बाद, ये जो यहाँ पे कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहे हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए इस फैसले, जी सर क्या कहना चाहेंगे? जी ये बहुत गलत फैसला है पार्टी का। मेन जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने दिल से रात दिन सुबह शाम अपने संगठन और हिंदुत्व के लिए जो काम करते हैं, उनको यहाँ पे मौका नहीं दिया जा रहा है। जो लोग मंदिरों में मुसलमानों को बसाने का काम करते हैं, उन लोगों को बार बार यहाँ पे जो है टिकट दिया गया है। और ये जो पार्टी की नीति है, ये लगता नहीं है कि सही नीति है। जो दिल से कार्य करता हो, समाज के लिए काम करता हो, उसको नकार दिया है पार्टी ने और उन्हीं को टिकट दिया गया है जो पूंजीवादी है। और पूंजीवादी को टिकट दिया गया है, मंदिरों में मुसलमानों को पन्ना दिया कर रहा है, कौन दे रहा? प्रदीप बत्रा दे रहा है क्या? बत्रा जी ने बसा रखे थे, अपने सारे कारीगर बसाए हुए थे पंचशील काली मंदिर में, 40 कमरे उनके पास कब्जे में थे। तो सिलेक्शन प्रदीप बत्रा ने दे रखा था उन्हें? जी उनके कारीगर रहते थे वहाँ पे। तो खाली तो नितिन शर्मा जी ने करा दिया? जी उन्होंने काम करवाया, उन्होंने समाज के लिए काम किया है और लोग साथ में थे और अच्छा। लोग उनके साथ में भी रहे हैं और जो पार्टी ने जो निर्णय दिया है वो ठीक नहीं दिया है। तो यानी कि आप ये भाजपा को वोट नहीं कर रहे रुड़की में? जी हम नितिन शर्मा जी के साथ हैं रात दिन, किसी भी उसमें भाजपा का मतलब प्रदीप बत्रा नहीं है। ठीक है, टिकट तो भाजपा ने दिया उन्हें, भाजपा ने टिकट तो दिया है, लेकिन भाजपा का मतलब प्रदीप बत्रा थोड़ा हो सकता है। जनता पार्टी कैंडिडेट है तो टिकट उसको दे दिया तो भाजपा हो गया, वही फूल हो गया। अच्छा कार्यकर्ता होता है भाजपा को, उसे भी तो मौका देना चाहिए, हर बार एक ही नहीं होता। चलिए हर बार एक ही नेता नहीं होता, जो दो बार विधायक रह गया उसको टिकट क्यों दिया, चीज को लेकर काफी नाराजगी यहाँ पर है। दिलीप कुमार मेहंदीरत्ता जी, भाई पंजाबी समाज से भी आते हैं और बड़ा चेहरा भी रामनगर में देखा जाता है इनको, हिंदूवादी पार्टी से भी जुड़े हैं, ठीक क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे। सोच लिया बिल्कुल। प्रदीप बत्रा से हमारी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि भाई जो लोग तुम्हारे टिकट से नाराज थे वो रूठ के बैठ गए, तो कहीं ना कहीं वो उन्हें मनाएंगे? वो कह रहे बिल्कुल, मैं उनके घर जाऊंगा ना मनाएंगे, तो कोई मान तो नहीं आओगे दोबारा? नहीं मानने का क्या मतलब है, मानने के लिए थोड़ी खड़े हैं यहाँ पे, प्रेशर आ जाता है, पार्टी का दबाव आता है। मैं आपको पता है मैं विश्वेंदु परिषद का हूँ और नितिन जी के साथ जेल भी जा चुका हूँ और हर सुख दुख में वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, चाहे वो रात का 2 बजे हो 3 बजे हो, और मैं भी 24 घंटे उनके साथ खड़ा रहूंगा और उन्हें जितवा कर ही वापस आऊंगा। चलिए इन्होंने भी कह दिया भाई बहुत गलत कर दिया, जितवा के आएंगे, एक बार इनसे ही पूछ लेते हैं। जी सर, यदि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का आपका फोन आता है आपको बनाने की बात करते हैं, स्वयं बत्रा जी कह रहे मैं आऊंगा बनाऊंगा, अगर नाराज है किस बात से, छोटे भाई हैं मेरे बराबर के भाई हैं, तो कहीं मान तो नहीं होगा या लड़ोगे चुनाव? बस जनता ने जो फैसला कर लिया है और उस पर मैं अडिक रहूंगा, किसी भी चीज़ का अगर संकल्प लेते हैं तो उस पर हम हमेशा स्थिर रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। कह रहे जनता के फैसले के साथ जाऊंगा, जो जनता कहेगी वही मैं करूंगा, तो साफ तौर पर जनता ने तो कह दिया भाई नितिन शर्मा को इस बार चुनाव लड़ाना है। तो बस देख सकते हैं दैनिक।